नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। कुढ़नी विस उपचुनाव के परिणाम आने के बाद जीत से उत्साहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केरमा में एक कार्यक्रम के दौरान जीत में अहम सहयोग करने वाली पार्टी लोजपा रामविलास के चिराग का जिक्र तक करना भूल गई। अब लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष विश्वकर्मेंद्र उर्फ चुलबुल शाही ने इस सवाल प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बिहार की जनता चिराग को अगला सीएम के रूप में देखना चाहती है। बिहार की जनता कुढ़नी विस उपचुनाव के परिणाम का आगे भी दिखेगा असर। कभी कभी एक राजनीतिक घटनाक्रम खुद में सिमट कर नहीं रहता, दूरगामी असर दिखाता है। कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भी राज्य की राजनीति पर असर दिखा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समीकरण पूरी तरह से पक्ष में नहीं रहते हुए भी भाजपा ने यहां जीत दर्ज की है। अब महत्वपूर्ण था अनुसूचित जाति का वोट। इसका समर्थन यहां इसलिए जरूर था क्योंकि यह वोट कहीं भी जा सकता था। इनमें नाराजगी थी मगर वो दिशाहीन थे। ऐसे में चिराग पासवान के समर्थन ने उन्हें दिशा दे दी। भाजपा के प्रतिष्ठा की यह लड़ाई जीत ली। क्या कुछ कहा लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष ने, जरूर देखिए। कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इस चुनाव में आप लोजपा को किस नजरिए से देख रहे हैं? आप लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं और कितनी कामयाबी मान रहे हैं? देखिए, कुढ़नी का जो उपचुनाव हुआ है उसमें अंतिम दिन 3 तारीख को चिराग पासवान जी का जो सभा हुआ और उस सभा के बाद लोगों में एक संदेश गया कि इस बार हर हाल में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता जी, उनको विजयी बनाना है। और चिराग पासवान जी का जो सभा और उसके बाद जो संदेश, यही संदेश जीत का कारण बना है। भाजपा का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, सभा भी था केरमा में, और उस दौरान लोजपा का कहीं से चर्चा तक नहीं किया जाना, किस नजरिए से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आज के समय बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना चिराग पासवान जी के समर्थन का अधूरी है और जनता इस बात को मान चुकी है। चिराग नहीं आंधी है। जनता में जब आप जाएंगे तो जनता आने वाले समय का मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी को देखना चाहती है और जनता का ये मांग भी है कि 2025 में चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई विपक्ष दिखाई देगा। भाजपा का जो स्थिति लग रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा तो हम लोग भाजपा के उम्मीदवार को सहयोग किए थे, हमारे नेता आकर उनके जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभा किया था और हम सहयोगी हैं भाजपा के। अब बड़े लीडर की बात है, अब बड़े लीडर अगर हमारे दल का नाम नहीं ले रहा है, कहाँ कमी है, ये तो फिर बड़े लीडर ही इस पर कुछ बोल पाएंगे। लेकिन कुढ़नी का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और हम खास करके उस चुनाव में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कार्यकर्ता लगे हुए थे, एकदम कर्तव्य और निष्ठा से लगे थे और इस सोच के साथ लगे थे कि केदार गुप्ता जी का जीत सुनिश्चित कराना, और हम लोगों ने मिलकर ये जीत को सुनिश्चित करवाया है। अब नाम नहीं लेना और श्रेय नहीं देना, ये तो बड़े लीडर की बात है। अब कल संजय जायसवाल जी आए थे और अब हमारे दल का जो महत्व इस चुनाव में रहा है उस पर अगर प्रकाश नहीं डाला है तो इसके लिए तो फिर हमारे पार्टी के देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।